हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो है ये गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर रहेगा और ये गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज है उसकी सिक्स्थ और आखिरी वीडियो है। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर हमारा कोई वीडियो नहीं रहेगा। पहली चार जो वीडियोज थी उसमें मैंने यूनियन यानी कि केंद्र गवर्नमेंट की सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स कंप्लीट करी हैं पूरी डिटेल में जाकर, और पांचवी और ये आखिर वाली यानी कि छठी वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम। पांचवी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप इन छह वीडियोस को अच्छे से समराइज कर लेते हैं, हर एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है ऑन एन एवरेज 50 मिनट के करीब का है, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक में से 80-90% आपका सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर इस टॉपिक के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि 7 से 8 आप इजीली क्रैक कर लोगे। क्लियर होगी बात। पहला क्वेश्चन तो ये। उसके बाद कुछ मैं आपको हंड्रेड्स के अराउंड एमसीक्यू देने वाला हूं अपने पेड ग्रुप के अंदर, बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, मुझे मैसेज करके बार बार मत पूछना, ठीक है। अगर आप उनको कवर अप कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 100% ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। क्लियर। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कौन कौन सी स्कीम्स को आज कवर करेंगे। ये जो स्कीम्स है ना, 2017 में कैप्टन सरकार आई, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, 2017 से लेकर 2020 तक कैप्टन साहब के आने के बाद जितनी भी करंट स्कीम्स चली हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उन सारी स्कीम्स को मैंने कवर किया है। यानी कि लगभग पिछले 3-4 साल की करंट अफेयर की सारी स्कीम्स को मैंने कवर किया है। और इससे पहले वाली जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम पार्ट 1 था, ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने पंजाब की हिस्ट्री से जुड़ी हुई पूरी, चाहे वो बादल साहब के टाइम से थी, आजादी के बाद के टाइम से थी, सारी स्कीम्स को कवर किया था। लेकिन ये वीडियो जो है ये पर्टिकुलरली उनके ऊपर रहेगी जो कैप्टन सरकार के रिसेंटली सत्ता में आने के बाद रही है, यानी कि लगभग पिछले 3-4 साल की। चलिए, सबसे पहले हमें देखनी है आयुष्मान भारत। ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और आयुष्मान भारत को हम लोग इस वीडियो में क्यों कवर कर रहे हैं। कैप्टन साहब ने आयुष्मान भारत को बहुत समय तक होल्ड करके रखा स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए, और बाद में उसे अपने तौर पर अपडेट करके चलाया, दैट इज आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना। तो इन दोनों में क्या अंतर था, क्यों होल्ड किया, वो भी देखेंगे। तीसरी स्कीम जो हमें पढ़नी है, दैट इज पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब 2017, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। जितने भी आप सरकारी टीचर जो आप इस स्कीम से बहुत अच्छे से जो है रूबरू होंगे, आपको बहुत सारा काम करना पड़ता होगा पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के तहत, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अगला है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2017। नेक्स्ट है केयर कैंपेन प्रोग्राम स्कीम, केयर कैंपेन प्रोग्राम स्कीम। सिक्स्थ बिजनेस फर्स्ट पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब का पहला बिजनेस के लिए ओपन किया गया वेब पोर्टल है। नेक्स्ट सेवंथ सुपर इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि मोहाली में ओपन किया गया वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट है स्मार्ट विलेज कैंपेन, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जॉब हेल्पलाइन फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। ये कुछ स्कीम्स हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आयुष्मान भारत गवर्नमेंट स्कीम। सबसे पहले याद रखिए, आयुष्मान भारत गवर्नमेंट स्कीम जो है सितंबर 2018 में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। ये बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करती है, ठीक है। लगभग 50 करोड़ इंडियन सिटीजन इस स्कीम्स के अंदर कवर किए गए। 50 करोड़ सिटीजन बोल लो या लगभग 10 करोड़ फैमिलीज आप कह सकते हो इस स्कीम्स के तहत भारत में कवर किए गए, ठीक है। द आयुष्मान भारत प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2018 टू एड्रेस हेल्थ इश्यू और एट ऑल लेवल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब भाई व्हाट इज द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी लेवल इन द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं जब कुछ कोई बीमारी आती है या कोई बीमार होता है तो हम अपने किसी कॉमन डॉक्टर के पास जाते हैं जिनको फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर बोलते हैं, वो हो गया प्राइमरी इश्यूज या प्राइमरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सेकेंडरी में क्या है, जिसमें आपको कोई टेस्ट करवाना पड़ता है बॉडी से रिलेटेड, दिस लेवल इज जनरली अ हॉस्पिटल
एडवांस डायग्नोस्टिक क्लिनिक, ठीक है, कोई क्लिनिक है जिसमें आप किसी स्पेशलिटी से मिल रहे हो, लेकिन जो टर्शरी है ये एक तरीके का ऐसा हॉस्पिटल है जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर फोकस होगा, जैसे हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट, उसको हम टर्शरी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स में रखते हैं। तो बेसिकली आयुष्मान भारत जो सितंबर 2018 में चली, जिसमें 50 करोड़ सिटीजन भारत के आते हैं, लगभग 10 करोड़ के करीब फैमिलीज आती हैं, यह यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों तरीके की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, उनको टैकल करने के लिए बनाया गया। प्राइमरी जिसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर बोलते हैं, कोई फैमिली डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, ठीक है, सेकेंडरी जिसमें आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है, और टर्शरी में जिसमें आप किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी स्पेशल बॉडी पार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट का हुआ, ब्रेन का हुआ, स्किन का हुआ, दैट इज द टर्शरी प्रॉब्लम्स। ओके, अब भाई एक बात क्या याद रखनी है कि आयुष्मान भारत स्कीम को आयुष्मान भारत स्कीम तो बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह आपको लिखा मिलेगा कि द आयुष्मान भारत स्कीम इज आल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक्चुअल में आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं बोलते, ये ज्यादातर किताबों में लिखा मिल जाता है। एक्चुअल में आयुष्मान भारत को के दो कंपोनेंट्स है, यानी कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड थी, दो हिस्सों में, पहला था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम को दो हिस्सों में इंप्लाई किया गया, दो कंपोनेंट्स थे, वन इज कॉल्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, अर्लियर इट वॉज नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम, ओके, एंड सेकेंड वन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या आएगा कि आयुष्मान भारत स्कीम को कब लॉन्च किया गया, सितंबर 2018 में, ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, दो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका पहला नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसको ही अपडेट करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाई गई, जो आयुष्मान भारत स्कीम का एक कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है आयुष्मान भारत स्कीम का, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। ओके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है हमारे पास, ठीक है, इनका मेन एम होता है टू इंप्रूव द एक्सेस टू द चीप एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट द प्राइमरी लेवल्स, ठीक है। हमारे जो सेकंड कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसका मेन मकसद आयुष्मान भारत में क्या है कि आपको प्राइमरी यानी कि जो मुडलिया हेल्थ सर्विसेज ने वो सस्ते रेट पे ते क्वालिटी दे तौर पे लोगों तक पहुंचानियां नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री, हमारे पास ये दो सेकंड कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, वित्तीय सहायता देना। पहले में आप लोगों को चीप हेल्थ सर्विसेज देते हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देते हो, सस्ते रेट पर बढ़िया हेल्थ सर्विसेज देते हो, ठीक है। PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आप लोगों को अपनी हेल्थ के लिए फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सहायता देते हो, ठीक है, ताकि वो अपने सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन क्या बन गया, आयुष्मान भारत स्कीम में दो कंपोनेंट, प्राइमरी कंपोनेंट किसमें आता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंपोनेंट किसमें कवर किया जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाई वी नीड आयुष्मान भारत स्कीम, हमें आयुष्मान भारत स्कीम की जरूरत क्यों है। देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगर आपने सोशल वेलफेयर स्कीम का पार्ट वन नहीं देखा तो उसको जरा जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको CSO और NSSO के बारे में डिटेल में बताया है। NSSO एक सरकारी संस्था है जो किसी भी चीज के ऊपर गवर्नमेंट को आंकड़े देती है, डाटा प्रोवाइड करवाती है। अब NSSO ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, NSSO कहती है 86% जो हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं और 82% जो हमारे अर्बन हाउस होल्ड हैं डू नॉट हैव एक्सेस टू द हेल्थ केयर इंश्योरेंस। यानी कि भारत का जितना भी पेंडू खेता है उदे विचो 86% जनता, जिन्ना भी भारत का अर्बन खेता है, शहरी पॉपुलेशन है, उसकी 82% पॉपुलेशन के पास हेल्थ केयर के लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर 17% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन स्पेंड अ मिनिमम 1/10 ऑफ देयर हाउस होल्ड बजट ऑन अवेलिंग द हेल्थ सर्विसेज। कहते जी अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की 17% जो जनसंख्या है
वो अपने घर का टोटल बजट का 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा जो है हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जो है खर्च करता है। यानी कि या तो किसी के पास हेल्थ सर्विसेज है ही नहीं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, अगर है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हेल्थ सर्विसेज पे खर्च हो रहा है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, अनएक्सपेक्टेड एंड सीरियस हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स ऑफ्टन लीड फैमिलीज टू द डेबिट। अनएक्सपेक्टेड क्या होती है, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपको पहले से अंदाजा नहीं था, या कोई सीरियस बीमारी, अगर किसी फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड और सीरियस हेल्थ केयर आ जाता है तो वो फैमिली डेबिट में चली जाती है, कर्जे में चली जाती है। मतलब हेल्थ सर्विसेज से किस तरीके से भारत की कॉमन जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया, 19% ऑफ अर्बन एंड 24% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड रिस्पेक्टिव देयर हेल्थ केयर फाइनेंशियल नीड्स थ्रू द बोरोइंग, ठीक है। लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि 19% जो शहरी जनसंख्या है और 24% जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं वो अपनी हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल नीड है, वो दूसरों से बोरो करके, दूसरों से पैसे उधार लेकर पूरी करते हैं, ठीक है। तो एनएसएसओ ने मोटे मोटे तौर पर 4 रीजन दिए कि हमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, ठीक है जी। एक, 86% रूरल हाउसहोल्ड और 82% अर्बन हाउसहोल्ड के पास कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं है। भारत की लगभग 17% पॉपुलेशन अपने प्रति माह यानी कि पर मंथ का जो 17% हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 1/10 हिस्सा हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करती है, ठीक है। अगर किसी फैमिली में, परिवार में अनएक्सपेक्टेड और सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो फैमिली कर्जे में चली जाती है, उसके पास फाइनेंशियल कोई सेवा नहीं है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। लगभग 19% शहरी और 24% जो हमारी रूरल हाउस होल्ड है वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को दूसरों से पैसे लेकर पूरे करती हैं। दैट्स व्हाई वी नीड द आयुष्मान हेल्थ केयर स्कीम। ओके, नेक्स्ट, टू एड्रेस दीज ग्रेव कंसर्न, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस प्रॉब्लम, इन सीरियस प्रॉब्लम्स को कंसर्न करने के लिए गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लॉन्च द आयुष्मान भारत, ठीक है। इन सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारी सरकार ने 2017 की राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं 2017 को मद्देनजर रखते हुए 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत करी। क्लियर, आयुष्मान भारत इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, सुपर इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत जो है, ठीक है, ये किसी भी सरकार के द्वारा दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा बड़ा फंड किया जाने वाला, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा स्कीम है, जिसमें लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरीज आते हैं, या ये कह लीजिए लगभग 10-10.5 करोड़ जो है फैमिलीज आते हैं। दिस स्कीम इज आल्सो नोन एज मोदी केयर, बिकॉज दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, तो इसको डब्ड किया जाता है मोदी केयर के नाम से। अब इस स्कीम के की फीचर्स क्या है, ठीक है भाई, स्कीम इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखते हैं हमें क्या क्या पड़ा। आयुष्मान भारत स्कीम जो है 3 तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आती है, सेकेंडरी एंड टर्शरी किस में आती है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, क्योंकि आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, हमें आयुष्मान भारत जो है स्कीम की लॉन्च क्यों पड़ी, अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ सर्वे हमारे यहां पर हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, आयुष्मान भारत में टोटल कितने बेनिफिशियरीज आते हैं, 50 करोड़ बेनिफिशियरीज आते हैं। अब इसके दूसरे मुख्यतः की फीचर्स क्या है, द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कवरेज ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर एट एनी गवर्नमेंट और इवन इंपेल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत के जितने भी नागरिक हैं जो हमारे 50 करोड़ बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान भारत सेवा के अंदर आते हैं, और ये लोग कौन कौन हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनको हर साल ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी कि एक फैमिली को, एक फैमिली आप मान के चलिए 4-5 मेंबर की एक फैमिली होती है भारत के अंदर ऑन एन एवरेज, तो 4-5 लोगों को एक साल में ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो। ये पहली बात है। दूसरा,
द एक्सपेंडिचर इन प्रीमियम पेमेंट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्पेसिफिक रेशियो। ये जो पॉइंट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आएगा तब जाकर आपको आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना जो पंजाब में इसका स्टेट वर्जन है तब वो समझ में आएगा, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया। इसमें क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत में जितना भी खर्चा होगा उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेशो रहेगी वो 60-40 रहेगी। 60-40 का मतलब 60% उसका खर्चा जो है सेंटर उठाएगी और 40% उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगी, स्टेट उठाएगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से हैं, ठीक है, आई होप ज्योग्राफी की वीडियो सुनी होंगी आपने, ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, ये वाले, ठीक है, चिकन नेक के बाद वाले, ये वाले सारे जिसको हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, असम, ये वो, इनके अंदर सेंट्रल स्टेट के बीच में जो हमारा बजट का रेशो रहेगा वो रहेगा 90:10। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 90% लगभग सेंटर खर्च करेगी, 10% स्टेट खुद करेगी, लेकिन पंजाब जैसी जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पर 60-40 का रेशो रहेगा। अब कौन लोग आएंगे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, ठीक है, इसकी तो आपको पहले एब्रीवेशन याद रखनी है, SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, कास्ट यानी कि जातिवाद, सेंसस यानी कि जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक जातिवाद जनसंख्या, ठीक है, ये एक तरीके की सेंसस होती है, जनगणना होती है जो भारत में होती है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है, कितने प्रतिशत लोग जो है मिडिल कास्ट में आते हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है मिडिल कास्ट से ऊपर में आते हैं, वगैरह वगैरह। तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बिहाफ के ऊपर जो भारत के पुअर लोग हैं उन लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम की जो है प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है जी। तो लगभग 50 करोड़ लोगों को यह बेनिफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू कौन सी सेंसस, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने जो अपना डाटा दिया है उसके बिहाफ के ऊपर जो लोग बिलो द बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको और कुछ अन्य लोगों को यह फायदा दिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है जी। और स्टेट और सेंटर के बीच में क्या क्या रेशो रहेगी, 60-40, सेंटर 60 स्टेट 40। अब हम बढ़ने वाले हैं भाई आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना, ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है आयुष्मान भारत, ये होगी सेंटर की स्कीम, यहां से इसको काट दो तो साथ में एक और स्कीम आ गई सर्वत सेहत बीमा योजना, ठीक है। अब भाई पीछे गेम क्या है, अब ध्यान से समझनी है पहले मेरी बात फिर लिखना। 28 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च करी गई, ठीक है, उस समय पंजाब के सीएम अब भी कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस स्कीम को होल्ड पे रख लिया कि भाई हम इसे अभी फिलहाल स्टेट के अंदर जो है अपनी पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 20 अगस्त 2019 को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 20 अगस्त 2019 को, और इस दिन पंजाब के सीएम ने एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना, ठीक है, फिर से सुनो। 28 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च करी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे होल्ड पे रखा, 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जो कि कांग्रेस के नेता थे और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे, राजीव गांधी जी की 75वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन एक नई स्कीम लॉन्च करी गई जिसे कहा गया महात्मा गांधी, ठीक है, सर्वत सेहत बीमा योजना, और जो सेंटर की स्कीम थी आयुष्मान उसे महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना के साथ मर्ज कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, और आयुष्मान भारत प्लस महात्मा गांधी सर्व सेहत बीमा योजना मिलकर क्या बनी, आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना, क्लियर होगी बात। तो ये एक्चुअल में दो स्कीम्स का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा सेंटर का थोड़ा सा स्टेट का, मिक्स वेज की तरह, क्लियर। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना फ्लैगशिप स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेट ऑफ द पंजाब, क्लियर है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझिएगा, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत
पंजाब स्टेट के लगभग 14 लाख लोग इस स्कीम में आते थे। पंजाब के कितने लोग आते थे? 14 लाख स्कीम। महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत 31 लाख लोगों को इस स्कीम के साथ जोड़ा गया। ठीक है, 14 लाख लोग तो भाई आयुष्मान स्कीम के तहत आते थे, 31 लाख लोग महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत आते थे। तो दोनों को मिला के जो स्कीम चलाई गई तो उसमें आप नॉर्मली देख सकते हैं कि लगभग 46 लाख पंजाब की जो जनसंख्या है वो इस आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत कवरअप करी गई। तो इसलिए कहा जाता है कि आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना पंजाब स्टेट की अभी तक की सबसे बड़ी फ्लैगशिप होता है, सबसे बड़ी, सबसे पसंदीदार, सबसे नजारेदार फ्लैगशिप योजना थी। ठीक है, और ये लगभग पंजाब की 75% पॉपुलेशन को कवर करती है। 14 लाख आयुष्मान भारत, 31 लाख महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना, मिलके बन गए टोटल 46 लाख, जो कि पंजाब की लगभग लगभग माना जाता है कि 75% पॉपुलेशन को क्या करेगी, कवरअप करेगी। ठीक है, लगभग। अब इसमें क्या है, इट इज इंटाइटल्ड बेस्ड कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, जैसा कि आयुष्मान में था कि हर परिवार को पर साल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये एक कैशलेस स्कीम है और ये पेपरलेस ट्रीटमेंट है। कैशलेस स्कीम का मतलब ये नहीं है, कैशलेस स्कीम का मतलब ये है कि भाई आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं आ जाएंगे। आप एक हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर अगर आप बेनिफिशियरी हैं, आयुष्मान भारत का आप सर्टिफिकेट भरेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, तो आपका जितना भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से पे कर दिया जाएगा, आपको पैसा बीच में नहीं मिलेगा। या आपको अगर आप एक बार हॉस्पिटल में भर चुके हो तो आपको धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की तरफ से वापस आता रहेगा। दिस इज नोन एज अ कैशलेस। ओके, पेपरलेस का मतलब आपके पास कोई कार्ड नहीं होगा, सिर्फ आपको एक सर्टिफाइड बनना पड़ेगा, जिससे ये श्योरिटी होगी कि आप एक्चुअल में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आते हैं। ओके, होगी बात। द कॉस्ट ऑफ 14 लाख, ठीक है, SEC, अभी बताया था SEC कौन थे, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर। ठीक है, इस कास्ट सेंसस के आधार पर, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर पंजाब के लगभग 14-15 लाख लोग आते थे आयुष्मान में, प्लस 31 लाख लोग महात्मा गांधी सर्व सेहत बीमा योजना के तहत आ गए। तो जो 14 लाख लोग आयुष्मान स्कीम के तहत आते थे उसमें तो 60% पैसा सेंटर खर्च करेगी और 40% कौन करेगी, स्टेट। लेकिन पीछे जो 31 लाख लोग और आ रहे हैं ये तो स्टेट ने अपनी मर्जी से ऐड किए हैं, तो इन 31 लाख लोगों का सारा खर्चा स्टेट खुद उठाएगी। ये थी आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि YouTube पे जितने भी चैनल हैं उन्होंने ये बातें आपको कभी नहीं बताई होगी कि आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना का लिंक क्या है। चेक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना इनकॉर्पोरेट्स द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर। इसमें वही लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना को आयुष्मान भारत का जो कंपोनेंट था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों को मिलाकर ही एक नई स्कीम बनाई गई पुअर पीपल्स के लिए पंजाब के अंदर। ठीक है जी, क्लियर। तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ सकते हैं हमसे कि भाई आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना कब लॉन्च करी गई। ये लॉन्च करी गई 20 अगस्त 2019 को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, 75% जनसंख्या इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी, पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब। वैसे मैं इस स्कीम को कवर अप नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि सर एक बार इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। मुझे लगता है कि ये कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये एक तरीके की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाहती है एजुकेशन में। एक तो इसका डाटा बहुत रेयर मिलता है। खैर, आपको याद रखना कि पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब स्कीम 2017 में लॉन्च करी गई, जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं कृष्ण कुमार, उनकी मध्यस्थता के तहत ही लॉन्च करी गई। ठीक है, ये एक लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम है। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम क्या होता है ये याद रखिए, मैं समझाता हूँ। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल एजुकेशन में कितना है, इसको चेक करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं लर्निंग एनहांस प्रोग्राम। ठीक है, अब इस मेंटल लेवल के तहत डिसाइड किया जाता है कि बच्चे का बेस कितना क्लियर है। वो छोटी क्लासों में, मान ली अगर कोई स्टूडेंट 7th क्लास में है
तो उससे पहले वाली क्लासों का कितना बेस उसको क्लियर है, ठीक है, सेवन पे होने के बावजूद भी उसे पिछली वाली क्लासों का जो मटेरियल है उसे रिवाइज करवाया जाएगा, बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट, स्टार्टिंग में तो ये जो स्कीम थी एक तरीके से फर्स्ट क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ही थी, लेकिन एट प्रेजेंट ये 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अब इसका मेन मकसद क्या है? अंडर दिस प्रोग्राम द स्टूडेंट लर्निंग इज असेस्ड एंड दे आर पुट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एज पर देयर लर्निंग लेवल्स। टीचर्स हैव बीन ट्रेन्ड टू यूज द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स टू इंप्रूव द लर्निंग लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम स्टूडेंट का जो लर्निंग सीखने का जो लेवल है उसे एक्सेस करते हैं, और इसे एक्सेस कौन करेगा? टीचर एक्सेस करेगा कि वो किस लेवल में आता है। इसके लिए टीचर को स्पेशल टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद स्टूडेंट्स को अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है और उन्हीं लेवल के तहत उन्हें जो है उनका बेस क्लियर करवाया जाता है ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक जा सके, ठीक है। ये था पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब, बेसिकली जो आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन याद रखने हैं पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के अंदर, 2017 में लॉन्च करी गई, जिसका मेन मकसद था लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, और ये अब 12वीं क्लास तक एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, चीनी चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, सुपर इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो है ना, ये अगर आप बुक उठाओगे बुक में तो मिलेगी नहीं, वेबसाइट से देखोगे, इंटरनेट देखोगे तो बहुत सारी चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम मिल जाएंगी। हमें वो चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम करनी है जो 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च करी थी। अब ये क्या थी? ऑन 6 जून 2017 पंजाब स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम विद एम टू प्रोवाइड चीपर एंड क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन। ये है मेन इसका क्वेश्चन कि जो चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम चलाएगी 2017 में, ये मेनली टेक्निकल एजुकेशन के लिए थी। 10th के बाद जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। अब कैसे दी जाएगी? अगर अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट स्कोर 60-70% मार्क्स इन क्लास 10, अगर किसी बच्चे के 10वीं कक्षा में 10th क्लास में 60-70% मार्क्स हैं तो उन्हें 70% टेक्निकल एजुकेशन में जो है वेवर दिया जाएगा, वजीफा दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। अगे अगर उसी बच्चे के 10th क्लास के अंदर 70% से 80% के बीच मार्क्स हैं तो उसे अपनी टेक्निकल एजुकेशन के लिए 80% फीस का जो है वेवर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर उसी बच्चे के 10th क्लास में 80-90% के बीच में मार्क्स हैं तो उन्हें अपनी टेक्निकल एजुकेशन के लिए 90% का वेवर दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे के 90-100% के बीच में मार्क्स हैं 10th क्लास के अंदर तो उन्हें बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। ये चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2017 का मेन आधार है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2017 के लिए थी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, किस पे बेस्ड थी? 10th क्लास के नंबर्स के ऊपर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के ऊपर ये बेस्ड थी। नेक्स्ट चलते हैं, केयर कैंपेन प्रोग्राम स्कीम, इंपॉर्टेंट है जी। द पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ फ्लैगशिप केयर कैंपेन हेल्थ स्कीम ऑन 28 जुलाई 2017। 28 जुलाई 2017 को केयर कैंपेन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये स्कीम जो थी अवेयरनेस के लिए थी कि जब हमारे घर में एक इन्फेंट यानी कि जच्चा बच्चा पैदा होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने के 30 दिन तक उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी हेल्थ केयर का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के तापमान में बच्चे को रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उनको देनी चाहिए एक बच्चे को और एक मदर को, उसके लिए ये कैंपेन चलाया गया था, केयर कैंपेन प्रोग्राम स्कीम, ठीक है। दिस प्रोग्राम विल क्रिएट्स अवेयरनेस विद बेटर फैमिली एंगेजमेंट एंड एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस, द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिड्यूस द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन इन द फर्स्ट 30 डेज, ठीक है। जो इन्फेंट डेथ यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है सॉरी उस डेथ को कम किया जा सके
और जो इन्फेक्शन फैलती है जन्म के 30 दिन बाद के अंदर अंदर उसको रोका जा सके और एक मदर को और एक बच्चे को लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रोमोटिव बिहेवियर में रखा जाए। यानी कि एक मदर जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, एक बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, और उन दोनों के लगभग 30 दिन के अंदर कौन से मेन मेन स्टेप सरकार को उठाने चाहिए, एक फैमिली को उठानी चाहिए, किन किन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए वगैरह वगैरह के बारे में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ तो कौन कौन सी चीज़ें बेबी के लिए हाइजीन है, सही नहीं है। थर्मल यानी कि किस तरीके के तापमान में रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी जरूरी है, ठीक है, एक माँ का दूध एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। मैटरनल न्यूट्रिशन, एक मदर को कौन कौन सी न्यूट्रिशन और कितने न्यूट्रिशन की चीज़ें देनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी स्कीम थी। नेक्स्ट, बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। अगर मैं पीपीएससी के मेंबर्स में से होता, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो मुझे लगता है मैं इसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन एक मार्क्स का डालता, ठीक है, कि पंजाब गवर्नमेंट ने पहली बार अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और इस वेब पोर्टल का नाम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स इंडस्ट्री, टू इंक्रीज और इंप्रूव इट्स इंडस्ट्री, दैट इज बिजनेस फर्स्ट पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन 7th June 2018 पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ बिजनेस फर्स्ट पोर्टल विल हेल्प इंडस्ट्रियलिस्ट इन रेगुलेटरी क्लियरेंस एंड फिजिकल अप्रूवल्स, ठीक है। अब ये देखो भाई, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो बहुत तरीके का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आपकी इंडस्ट्री से वहां का इन्वायरमेंट तो नहीं खराब हो रहा, वाटर क्लियरेंस लेना पड़ता है, लोकल क्लियरेंस लेना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। तो ये सारे पेपर वर्क आपको एक ही वेब पोर्टल में मिल जाएंगे ताकि आपको जगह जगह पर ना जाना पड़े। और दूसरा, ये रियल टाइम ट्रैकिंग है। रियल टाइम ट्रैकिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मान लो आज डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो ये डोमिनोज का ऑफिस है और यहां पर आपने अपने ऑफिस में पिज्जा जो है ऑर्डर किया है, तो ऐप पे डोमिनोज के पता चल जाता है कि भाई पिज्जा बन के रेडी हो गया है, ऑफिस से निकल गया है, ठीक है, पिज्जा डिलीवरी करने वाला बॉय यहां तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंच गया, उसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग। सिमिलरली अगर आपने किसी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए क्लियरेंस लेना है तो आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि आपकी फाइल कहां तक पहुंच गई है, कि भाई इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो गया है, वाटर क्लियरेंस में अटकी हुई है कहां पर, ताकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ी सी आसानी रहे। नेक्स्ट, और ये वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। भाई वन स्टेप सॉल्यूशन, एक ही जगह पर सारी इंडस्ट्री के क्लियरेंस एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। ये था बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करंट अफेयर से उठाया है, मेरे अकॉर्डिंग पक्का आना चाहिए अगर कोई ढंग का पीपीएससी का मेंबर इसमें पेपर डाल रहा है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, लेकिन ये स्किल इंस्टीट्यूट ओनली फॉर किसके लिए है, वुमेन्स के लिए, ठीक है। अगर पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द वुमेन्स कहां पर ओपन किया गया है, तो ये ओपन किया गया पंजाब के मोहाली में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑन July 29, 2018 यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है भारत के जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर थे, उन्होंने पंजाब के मोहाली जिले के अंदर इंडिया का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें महिलाओं को अलग अलग चीज के लिए, ओनली फॉर द वुमेन्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसकी लागत लगभग 17 करोड़ थी, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द वुमेन था, और ये देश का पहला स्किल ट्रेनिंग था जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपको वुमेन्स को क्या सिखाया जाएगा, आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं। ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वुमेन्स लाइक ब्यूटी केयर कोर्स, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग कोर्स एंड अदर ऑल्सो टेक्नोलॉजी कोर्स, ठीक है। एक महिलाओं को ब्यूटी कैसे, मतलब एक जैसे पार्लर होता है, ब्यूटी केयर कोर्स सिखाया जाएगा, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाया जाएगा वगैरह वगैरह, जो टेक्नोलॉजी वाले कोर्स हैं, ठीक है, सिलाई मशीन या दूसरे अन्य कोर्स, उसको सिखाया जाएगा। ये इसकी इसका मेन आधार था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ओनली इंडिया का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ ओपन किया गया महिलाओं के लिए, ये ओपन किया गया मोहाली के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इन्होंने इंडिया का पहला, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड,
प्रधानमंत्री कौशल केंद्र मार्ग फॉर डिफरेंट एबल्ड पर्सन। डिफरेंट एबल्ड पर्सन मतलब जिनका कोई अंग नहीं चलता, जिनको हम PWD कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट एबल्ड कहते हैं, जिनमें किसी ना किसी तरीके की कमी है, ठीक है, उनको ट्रेंड करने के लिए भारत का पहला जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी मोहाली में ओपन किया गया। दोनों बातों याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्मार्ट विलेज कैंपेन, यहां पर पता चल रहा है विलेज यानी कि रूरल कैंपेन, ठीक है, भारत के जो विलेज हैं उनको स्मार्ट बनाना है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ रूरल डेवलपमेंट स्कीम ऑन January 29, 2019, दैट इज पंजाब स्मार्ट विलेज कैंपेन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया है जिसका मेन मकसद है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, पेंडू खेते दे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। उस कैंपेन का नाम किया है स्मार्ट विलेज कैंपेन, ठीक है, प्रोवाइड इसेंशियल एमिनिटीज टू बिल्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, गेटिंग अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, रिफॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम वुड बी फाइनेंस्ड विद द फंड्स फ्रॉम द 14th फाइनेंस कमीशन एंड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब कह रहे हैं जी लगभग 384 करोड़ का बजट होगा पंजाब के विलेजेस के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। ये जो पैसा है जो हमारा MGNREGA है, हमने जो स्टार्टिंग की पहली दो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसमें डिटेल में ठोक के कवर किया है मैंने, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पहले तो नरेगा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया, अगर आपने स्कीम सुनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो स्मार्ट विलेज का जो फंड है, या तो मनरेगा का कुछ पैसा जो सरकार को दिया जाता है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, प्लस 14वें फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्तीय संगठन के द्वारा जो पंजाब के पास पैसा आने वाला है, उन दोनों को मिलाकर ये बजट उठाया जाएगा। क्लियर होगी। द स्मार्ट विलेज कैंपेन इज एम टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द रूरल एरियाज बाय सप्लीमेंटिंग द ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल एमिनिटीज। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट विलेज कैंपेन में जितनी भी रूरल एरियाज को इंप्रूव करने के लिए स्कीम चल रही है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उन सब की मदद लेकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा। ये मेन क्वेश्चन था इसका। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। दो क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल देने वाला हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे तो आपने मुझे बताना है 2019 के अंदर, रिसेंटली 2019 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने अपना स्टेट एक्वाटिक, एक्वाटिक होता जल में रहने वाला, एक्वा, स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है, ठीक है। जैसे पंजाब का स्टेट बर्ड है नॉर्दर्न घोषवाहक, पंजाब का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, काला हिरन, ठीक है। उसी तरीके से पंजाब ने 2019 में अपना एक स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है। आपको मुझे बताना है कि वो स्टेट एक्वाटिक एनिमल कौन सा है जिसको 2019 में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने जो है बनाया है, अनाउंस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो और एक बात, अभी आज सैटरडे को टेस्ट होगा, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 2nd of June को, ये ट्यूजडे है आज, ठीक है, तो आपका ये लगा लीजिए सैटरडे को आपका सोशल वेलफेयर स्कीम का टेस्ट है 6th of June को, उसमें ये दोनों क्वेश्चन मैं गारंटी डालने वाला हूँ, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, आपने अगर पंजाब की वीडियो सुनी है तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर जो है फॉरेस्ट एरिया सबसे कम है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है और सबसे कम पंजाब में है। तो पंजाब के अंदर फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने किसी स्टेट के फॉरेस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया है। फॉरेस्ट मॉडल को अडॉप्ट करने का मतलब क्या है कि पहले किसी स्टेट ने कोई फॉरेस्ट की पॉलिसीज बनाई, ठीक है, एक मॉडल अडॉप्ट किया, अपने वहां लागू किया और वो काफी सक्सेसफुल रहा, उसी मॉडल को उठाकर पंजाब गवर्नमेंट ने अपने यहां इंप्लीमेंट कर लिया। तो आपको बताना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर अपने यहां पर फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, जंगली खेतों को बढ़ाने वास्ते, प्लस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कि अगर जंगली खेता बढ़ेगा तो टूरिज्म आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू, नेशनल पार्क के थ्रू, तो कौन सी स्टेट के फॉरेस्ट मॉडल को इंप्लीमेंट किया है? ऑप्शन दे देता हूं, कर्नाटका जंगल मॉडल, दिल्ली जंगल मॉडल, महाराष्ट्र जंगल मॉडल
और हरियाणा जंगल मॉडल, आपको ये दोनों क्वेश्चन मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओ गॉड, जॉब हेल्पलाइन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। आपको पता होगा जब 2017 में इलेक्शन समाप्त हुए थे, चल रहे थे इलेक्शन कैंपेन, तो हमारे जो तत्कालीन उस हमारे जो एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाउंसमेंट करी थी घर घर रोजगार योजना की। उसी घर घर रोजगार योजना के तहत पंजाब इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने अपने अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो इस हेल्पलाइन पे बताओ, आपकी बेरोजगारी का जो है समाधान किया जाएगा। तो पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है, टू लॉन्च जॉब हेल्पलाइन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ, और ये लॉन्च करी गई थी 2 नवंबर 2019 को। ठीक है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली है। द पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉब हेल्पलाइन नंबर, और ये आप देख सकते हैं ये वो नंबर है, फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट अंडर घर घर रोजगार प्रोग्राम। ठीक है, अब इसका मेन जो है की पॉइंट क्या है, इट विल प्रोवाइड लार्ज स्केल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द लैक ऑफ द यूथ अक्रॉस द स्टेट एवरी ईयर। हर साल ये राज्य के जो लाखों जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगा। क्लियर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हेल्पलाइन इज टू रीच एवरी हाउस इन द पंजाब एंड इट कैन बी कॉन्टेक्टेड 75,000 मोबाइल्स। ठीक है, इसका मेन मकसद जो है पंजाब के हर घर तक पहुंचना ताकि पता चल सके कि कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, इसी के तहत लगभग 110 जो है कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आप जो है कॉल करके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेरोजगार है तो अपनी रोजगार के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आखिरी स्कीम थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर फिर भी मुझे एक आधी स्कीम लगी आप लोग मत बताइएगा, अगर लास्ट तक मुझे लगी तो मैं उसको जो PDF है अलग से बना के जो है दे दूंगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से 110% जो है कोशिश करी है। दूसरा सैचरडे को टेस्ट है 6 जून को, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सैचरडे याद रखिएगा, डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 6 सोशल वेलफेयर स्कीम्स की वीडियोस प्लस 6 सोशल वेलफेयर स्कीम्स की जो है हमारे पास PDFs, उसको मैं आपको दे दूंगा, प्लस 100 MCQs मैं आपको दूंगा। मैसेज करके मत पूछना, आज 2 जून है, 4 जून तक अपने आपको 100 MCQ मिल जाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।